This video is brought to you by Howzat. Download the app now. क्या आप भी किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे टीम 11 पे टीम बना रहे हो और बच्चों के साथ खेल रहे हो? हमारे साथ खेलोगे? Howzat पे खेलो लेजेंड्स के साथ, हमें हराओ और जीतो डबल कैश. लॉग ऑन टू howzat.com एंड विन रियल कैश. फिल्म एक्टर विवेक ओबेरॉय ने मुंबई पुलिस से माफी मांगी है. वैलेंटाइन डे के दिन विवेक अपनी पत्नी के साथ बाइक राइड पर गए थे. इस दौरान वो ट्रैफिक और कोरोना दोनों के नियम तोड़ते नजर आए. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उन पर कार्रवाई भी की है. अब इस कार्रवाई के बाद एक्टर ने अपनी सफाई भी कुछ अलग अंदाज में दी. उन्होंने ट्वीट किया है, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया है, निकले थे नई बाइक पर हम और हमारी जान, बिना हेलमेट के कट गया चालान. राइडिंग विदाउट अ हेलमेट, मुंबई पुलिस विल डू अ चेकमेट. सुरक्षा सबसे जरूरी है, यह एहसास दिलाने के लिए मुंबई पुलिस का शुक्रिया. सुरक्षित रहिए, हेलमेट और मास्क पहनिए. जानते हैं क्या था पूरा मामला. दरअसल विवेक अपनी पत्नी के साथ वैलेंटाइन डे पर बाइक ड्राइव पर निकले थे. इसका वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था. बस गलती उन्होंने ये कर दी कि बाइक राइड के दौरान उन्होंने ना तो हेलमेट पहना था और ना ही मास्क लगाया था. उन्होंने 14 फरवरी को इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था, वैलेंटाइन डे की बेहतरीन शुरुआत, मैं, मेरी पत्नी और वो, मजा आ गया. बस फिर क्या था, विवेक का ये रोमांटिक वीडियो खूब वायरल हुआ. हालांकि जब मुंबई पुलिस की इस वीडियो पर नजर पड़ी तो उन्होंने सबसे पहले एक्टर का 500 रुपए का ई चालान काट दिया. ये चालान 19 फरवरी की शाम 7:02 पर काटा गया था. मुंबई के सांता क्रूज पुलिस डिवीजन के इंस्पेक्टर नंदकिशोर जाधव ने एक्टर का चालान काटा. मुंबई पुलिस ने क्या कार्रवाई की, विवेक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 29/177 और एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी. जुहू के पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज किया गया था. वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब मुंबई पुलिस ने किसी बड़े सेलिब्रिटी के खिलाफ एक्शन लिया हो. हाल ही में खबर आई थी कि एक्टर रणबीर कपूर की गाड़ी को भी लॉक कर दिया गया था जब उन्होंने नो पार्किंग जोन में अपनी गाड़ी पार्क की थी. हाल फिलहाल के और भी कई ऐसे किस्से सुर्खियों में रहे थे. आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी ओम ने. मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप. शुक्रिया. दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट. यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की. लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1. प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से. अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में. पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले. खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन. बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने. इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए. आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए.